hello everyone welcome to the commerce achiever platform with today's session we are going to solve one more question on ratio analysis and at end of this session we will take our challenge question and i will be requesting you that try to solve those challenging questions and uh, stay active and let's see the today question uh, it's related to the ratio analysis and the given information is inventory turnover ratio is 6 times gross profit is 20% on sale

इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम एक लास्ट में आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन देंगे आप उसे डेफिनेटली ट्राई करें तो आज जो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसकी जो गिवन डिटेल है इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो गिवन है सिक्स टाइम क्रॉस प्रॉफिट गिवन है ट्वेंटी परसेंट सेल का और सेल की वैल्यू दी हुई है एक लाख अस्सी हज़ार क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है और बोला है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री का पंद्रह हज़ार रुपये से ज़्यादा है हमें कैलकुलेट करना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री तो चलिए कैलकुलेट करते हैं हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं तो हमने देखा क्या गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट क्या गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट ट्वेंटी परसेंट ऑन सेल गिवन है हमें ग्रॉस प्रॉफिट वन सेकेंड प्लीज ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्वेंटी परसेंट ऑन सेल्स ठीक है ये गिवन है आपका तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ सेल्स हो गया ये आपका ऐसे और सेल की वैल्यू आपको गिवन है देख लेते हैं क्या है वन लाख एटी थाउजेंड वन लाख एटी थाउजेंड तो वन लाख एटी थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट आपका हो जाएगा रुपीज थर्टी सिक्स let's conclude in the other language. we have given in the question the gross profit 20% on sale. so 20% of sale is 20% into sale and we have uh, the question shared with us and 1 80,000 is the sale value. now 20% on sale is rupees 36,000. okay? then go ahead. cost of goods sold if we see. it seals. माइनस ग्रॉस प्रॉफिट आई एम राइटिंग शॉर्टकट प्लीज एवॉइड फॉर द एग्जामिनेशन सो वी हैव सेल्स वन लैक एटी थाउजेंड एंड वी हैव ग्रॉस प्रॉफिट थर्टी सिक्स थाउजेंड सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वी कैन फाइंड दैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विच इज रुपीज वन लाख फोर्टी फोर थाउजेंड नेक्स्ट हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जिसकी जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स हमें गिवन था एक लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड आपने ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया इसके डिफरेंस आ रहा है हमारा आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स अब आपको क्लिक कैसे होगा कि भाई अभी हमें ये फॉर्मुला लगाना है तो जैसे कि इन्वेंट्री की बात की आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया आपको सेल्स दे दिया तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए ओके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया हमारा टी फोर थाउजेंड क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स होल्ड कैसा है अगर स्टॉक टर्न ओवर रेशियो भी हमें गिवन है जैसे स्टॉक टर्न ओवर रेशियो जो मेन रेशियो गिवन है जिसकी वैल्यू इन्होंने टाइम्स दी है उसका फॉर्मूला क्या है अगर हम रिकॉल करें स्टॉक टर्न ओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक ओके एवरेज स्टॉक तो ये अगर आपको वो चीज स्ट्रिक नहीं करेगी कॉस्ट ऑफ गुडसोल्ड का फॉर्मूला लगाना है तो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसकी मदद से आपने स्टॉक Turnover Ratio लिखा उसके फॉर्मूले को लिखा तो अब आपको लिंक करना होगा कि भाई आपके पास सेल्स आ चुका है आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है तो अब आपको कॉस्ट ऑफ गुडसोल्ड निकालना है ठीक तो है तो स्टॉक टर्न रेशियो हमें गिवन है सिक्स टाइम्स ये हमें गिवन है सिक्स टाइम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स गुड्सोड हमने कैलकुलेट कर लिया है वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड और बैलेंस बचता है हमारा एवरेज स्टॉक मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ आप प्लीज़ एग्जाम के पर्पस के लिए इसे अवॉइड करेंगे सो वी हैव एवरेज स्टॉक वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड सॉरी डिवाइडेड बाई सिक्स सो प्लीज़ कैलकुलेट द एवरेज इन्वेंट्री okay either you can so uh, do uh, this way please calculate this divided by 6 it's 24000 we have average stock and uh, let me opening stock as an x so closing stock gap apka x plus फिफ्टीन थाउजेंड तो एक्स प्लस एक्स प्लस फिफ्टीन थाउजेंड एवरेज होता है ना ये आपका आ गया ट्वेंटी फोर थाउजेंड टू एक्स प्लस फिफ्टीन थाउजेंड

500 let's conclude in the other language so we have seen we have calculated so far our cost of goods sold which amounts to rupees 144000 so uh, if you won't able to recognize that okay now is the time to calculate the cost of goods sold you can just switch the information shared with you stock turnover ratio and write that formula we have cost of goods sold and average stock so, stock turnover ratio is given already 6 and average stock you have to find because you don't have any opening and closing stock. So, you definitely need to find a cost of goods sold. In this way, you can calling that now is a requirement to calculate the cost of goods sold. So, that's why you able to find the cost of goods sold which amounts to 1,44,000. And with the help of this formula of stock turnover ratio, you will able to find out average stock which is 24,000. And what is the average stock? It's an opening and closings of average. That means opening stock we took as an X, you can take it anything and closing stock we take it X plus 15,000. Why X plus 15,000 is because in the question, we it's shared that the closing inventory is 15,000 in Xs, Xs of opening inventory. So the word use Xs, that's why we are adding uh, plus to it. So um, opening and closing is the average divided by two is equal to the average stock. So x plus x plus fifteen thousand divided by two. Then we multiply this cross. I hope you know the basic mathematic calculation. So two x plus fifteen thousand is forty-eight thousand. Then we have two x here. Here it was plus. Then we switch to here it's minus. We have two x is thirty-three thousand and x is sixteen thousand five hundred, which is a opening stock stands for 16500 and closing stock we have x plus 15000 that means 31500 this is all about the solution related to this question okay and i hope you able to understand the solution uh, of this question you understood the formulas why something is in numerator or denominator or why something is adding or lessing to something and you also able to understand दैट एट वॉट टाइम विच टाइप ऑफ formula एंड वॉट ऑल formulas आर रिक्वायर्ड मतलब लेट्स कॉन्क्लूड आई बिलीव कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कौन सी चीज़ें ऐड करनी है या लेस करनी है या न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में किसे रखना है एंड आई बिलीव कि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो कि कैसे आपको बढ़ना है कैसे आपको चीज़ें देखिए सीक्वेंस कोई भी एग्जामिनर को सीक्वेंस से मतलब नहीं है एग्जामिनर को मेन सोल्यूशन आपका एक राइट right स्ट्रैटेजी में जाना चाहिए और एक एंड जो क्वेश्चन की रिमांड है वो मीट होनी चाहिए उससे मतलब है तो Uh, आप किसी भी सीक्वेंस में जा सकते हैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ठीक है तो चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन uh, समझ में आ चुका हो तो आज का चैलेंज क्वेश्चन हम ले लेते हैं एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज चैलेंज क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए बिकॉज यू नेवर नो वॉट सरप्राइज इट ब्रिंग सो आज का जो चैलेंज क्वेश्चन है उसकी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है गिवन डिटेल्स ओके सो इन्वेंट्रीज टर्न ओवर Inventories Turnover ratio is five times Closing Inventory is rupees fifteen thousand more than Opening Inventory. Okay. Next, sales is rupees 2 lakh. Gross profit ratio. Gross profit ratio is 25%. Current liabilities. Current liabilities is rupees 50,000 quick ratio is 0.75 you have to calculate current assets okay सो दिस इज अ चैलेंज क्वेश्चन क्या है इन्वेंट्री गिवन है आपको फाइव टाइम क्लोजिंग इन्वेंट्री पंद्रह हज़ार ज़्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री सेल गिवन है दो लाख रुपए क्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है पच्चीस परसेंट करेंट लाइबिलिटी गिवन है पचास हज़ार और क्विक रेशियो गिवन है पॉइंट सेवन फाइव आपको करंट एसेट्स निकालना है टोटल और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इन चैलेंज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें बिकॉज आपको नहीं पता कि ये चैलेंज क्वेश्चंस कहीं आपके लिए कुछ सरप्राइज ना लें सो स्टे कनेक्टेड एंड हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम मार्कल्स को सॉल्व करेंगे विद पैसेज ऑफ टाइम तो आप हमें इस वक्त मिल सकते हैं एवरी डे एट नाइन पी टेक केयर बाय एंड जय हिंद